हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीचएम में। तो इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है और इससे संबंधित आंसर की मैं आपको आज देने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। दूसरी बात कि आप जितने भी जो अगले जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके अगर आंसर की चाहते हो तो आप हमें जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस पर आप हमें जो पेपर है वो सेंड कर दें। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कि इंडक्शन मोटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है रोटर के अंदर, उसकी आवृत्ति क्या होती है। तो रोटर की आवृत्ति हमेशा सप्लाई आवृत्ति से क्या होती है, कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला है इंडक्शन मोटर की स्लिप। तो इंडक्शन मोटर के अंदर जैसे जैसे स्लिप बढ़ती है तो स्लिप बढ़ने का मतलब क्या, लोड बढ़ रहा है और लोड बढ़ने पर करंट बढ़ती है और टॉर्क भी क्या होता है, बढ़ता है। तो करंट और टॉर्क यहाँ बल दे रखे, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो टॉर्क लिखा हुआ मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि एक्साइटेशन वो है गंभीर है यानी कि क्रिटिकल एक्साइटेशन होगा तो उस समय अल्टरनेटर जो होता है वो किस पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। तो इस समय जो अल्टरनेटर जो होता है उसका पावर फैक्टर जो होता है वो इकाई होगा, तो यहाँ यूनिटी पावर फैक्टर पर वो कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन था कि दो अल्टरनेटर है उसको अगर समांतर क्रम में चलाना है तो आपको कौन सी स्थितियों का पालन करना जरूरी होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको फ्रिक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए उनकी और उनकी वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए और उनका फेज क्रम भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज और आवृत्ति समान दे रखा है, तो अगर आपने डी ऑप्शन किया तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन था कि अल्टरनेटर को क्या कहा जाता है। तो अल्टरनेटर को कहा जाता है एसी जनरेटर भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको सिंक्रोनस जनरेटर कहा जाता है, लेकिन यहाँ एसिंक्रोनस जनरेटर दे रखा है तो आपने एसिंक्रोनस जनरेटर किया तो गलत होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखे कि अल्टरनेटर जो होता है उसको किस में रेटेड किया जाता है, यानी कि अल्टरनेटर जो होता है उसकी रेटिंग किस में ली जाती है। तो अल्टरनेटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, इसकी रेटिंग केवीए एमवीए में ही ली जाती है। तो यहाँ ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि तीन फेज वाला जो अल्टरनेटर जो होता है वो सामान्यतः किस में कनेक्ट किया जाता है। तो जो थ्री फेज अल्टरनेटर होता है नॉर्मली इनको जो कनेक्ट किया जाता है वो नॉर्मली इनको स्टार में कनेक्टेड किया जाता है ताकि आप थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों सप्लाई ले सकें। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन था कि एक अल्टरनेटर में फ्रैक्शनल पिच, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पिच का मतलब क्या होता है, भिन्नात्मक पिच अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ये जो होता है ये हार्मोनिक्स को कम करता है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर की एक्टिव पावर यानी कि सक्रिय ऊर्जा को किस तरीके से बदला जा सकता है। तो देखो फील्ड का एक्साइटेशन बदलते हो तो उसकी जो पावर होती है केवीएआर वाली पावर चेंज होती है यानी कि प्रतिघाती पावर चेंज होती है। अगर उसकी प्राइम मूवर की गति चेंज करते हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। अगर आप भार को बदलते हो तो भार बदलने से ट्रांसफर अल्टरनेटर जो होगा उसका पावर फैक्टर भी बदल जाता है और पावर फैक्टर बदलने पर इसकी एक्टिव पावर बदलेगी। तो यहाँ अगर आपने सी ऑप्शन किया तो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अल्टरनेटर जो होगा उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर धारा क्या होती है, अधिकतम प्रवाहित होती है। तो अधिकतम दो ही कंडीशन में होगी, या तो वो लैगिंग होगा तब होगी या लीडिंग होगा तब होगी। लेकिन नॉर्मल जो होता है लोड लोड की प्रकृति अगर हमने बात करें तो वो लैगिंग ही होती है। तो यहाँ अगर आपने बी ऑप्शन किया तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला एक अनुतेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कौन सी है। अनुतेजित का मतलब होता है जिसको आपने एक्साइट नहीं किया। तो जो रिलक्टेंस मोटर जो होती है, इसके अलावा स्टेपर मोटर होती है, इसके अलावा जो हिस्टेरेसिस मोटर होती है, ये तीनों सिंक्रोनस मोटर कहलाती है सिंगल फेज के अंदर। तो ये रिलक्टेंस मोटर जो होगी ये अनुतेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसको किस तरीके से आप प्रचालित कर सकते हो। तो अल्टरनेटर के सिंक्रोनस मोटर जो होगा इसको आप लैगिंग, लीडिंग और इकाई तीनों पावर फैक्टर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ इसका डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में जो आप डैम्पर वाइंडिंग इस्तेमाल करते हो किस लिए करते हो। तो डैम्पर वाइंडिंग आपको पता होना चाहिए कि दो काम करती है, एक तो मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती है, दूसरा वो हंटिंग दोष को दूर करने का कार्य करती है। तो यहाँ अगर आपने डी ऑप्शन किया तो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर करंट की मात्रा कब अधिक होगी। तो अल्टरनेटर की आर्मेचर की करंट की मात्रा अधिकतम पूछिए आपको अधिक मात्रा कब होगी। तो या तो एक्साइटेशन निम्न है या एक्साइटेशन क्या उच्च है, क्योंकि आपने वी वक्र पढ़ा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो वी वक्र के अंदर आपने देखोगे कि यहाँ निम्न एक्साइटेशन पर भी आर्मेचर करंट अधिकतम होती है, यहाँ उच्च एक्साइटेशन होते तो भी आर्मेचर धारा अधिक होती है। तो यहाँ दोनों कंडीशन के अंदर आपकी आर्मेचर करंट उच्च होगी, लेकिन अति उत्तेजन पर वो लैगिंग लीडिंग पर काम करती है जबकि निम्न उत्तेजन पर वो लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगला है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो स्टेटर में बैक ईएमएफ बनता है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो स्टेटर के अंदर बैक ईएमएफ आपने देखा होगा कि रोटर का एक्साइटेशन जैसे जैसे आप चेंज करते हो
निम्न उत्तेजन पर तो वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है, सामान्य उत्तेजन पर वो इकाई पर काम करती है, और अति उत्तेजन पर वो काम क्या करती है, लीडिंग पर काम करती है। तो एक्साइटेशन जैसे जैसे चेंज करोगे रोटर का, उस तरीके से स्टेटर में जो बेक ईएमएफ होता है उसका मान चेंज हो जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन अगर आपने किया तो आपका राइट आंसर होगा। अगला है सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क कोण जो होता है किस बात पर निर्भर करता है। तो टॉर्क कोण आपको पता होना चाहिए, एक तो स्टेटर का एनोरस पोल होंगे और दूसरा रोटर का पोल होगा, तो ये विपरीत पोलों के बीच में होगा। तो यहाँ रोटर पोल और रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स होगा, इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, टॉर्क कोण कहलाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है ट्रांसफार्मर में जो कोर का जो फ्लक्स होता है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो फ्लक्स जो होता है आपने पढ़ा होगा कि दो बातों पर डिपेंड करे, एक तो उसने वोल्टेज कितनी दे रखी है और कोर के अंदर, या दूसरा उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि लुमिनस स्रोत की रेडियंट क्षमता जो होती है किस बात पर निर्भर करती है। तो कोई भी जो लैम्प जो होता है, कोई भी युक्ति होती है, वो जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसकी जो रेडियल क्षमता जो होती है वो स्रोत के टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो यहाँ अगर आपने बी ऑप्शन किया तो आपका सही होगा। आप उपरोक्त सभी नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ऐसा एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको आगे। अगला है कि कार्बन आर्क लैम्प का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है। तो सिनेमा प्रोजेक्टर जो होते हैं या सर्च लाइट जो होती है, ये मैंने आपको रात को वीडियो में भी बताया था, प्रदीप्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कैंडेला जो होता है वो किसकी यूनिट होती है। तो कैंडेला जो होती है वो ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट होगी ये। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो यहाँ से स्ट्रेडियन जो होगी वो ठोस कोण की होगी, कैंडेला भी आपको बता दिया ज्योति तीव्रता की होगी, लक्स प्रदीप्ति की होगी, और ल्यूमिनस फ्लक्स की जो होगी वो क्या होगी, ल्यूमन इकाई होगी। तो यहाँ अगर आपने ल्यूमन किया तो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसकी ल्यूमिन दक्षता कितनी होगी। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो ल्यूमन दक्षता होती है वो 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट तक होती है। तो यहाँ अगर आपने डी ऑप्शन किया तो आपका राइट आंसर होगा। अगला है ल्यूमन प्रति स्क्वायर मीटर, यानी कि ल्यूमन प्रति स्क्वायर मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो ये जो होगा ये लक्स के बराबर होगा, यानी कि प्रदीप्ति की मात्रा जो होती है एक कितने ल्यूमन कितने एरिया पर पड़ रही है, तो वो जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, प्रदीप्ति कहलाता है, और प्रदीप्ति की जो यूनिट होती है वो लक्स होगी। तो यहाँ एक लक्स आपका राइट आंसर होगा। अगला है समान अवशिष्टता के लिए निम्न में से कौन सा सबसे लैम्प सस्ता है। तो सबसे लैम्प जो सस्ता है इनमें से वो GSL लैम्प होगा, जनरल लाइटिंग सिस्टम जो होगा, तो वो लैम्प आपका यहाँ राइट होगा। तो अगर आपने डी ऑप्शन किया तो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमन प्रति वाट किसकी किसकी इकाई है या किसकी यूनिट होगी। तो जैसे अभी आपको ऊपर क्वेश्चन था कि ट्यूबलाइट की दक्षता कितनी होगी, ल्यूमन दक्षता, तो वहाँ से भी अगर आप उसको देख सकते हो तो आपका राइट आंसर होता जाता। तो ल्यूमन प्रति वाट जो होगी वो ल्यूमन दक्षता की इकाई होती है या ल्यूमन क्षमता की इकाई होती है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि फिलामेंट लैम्प जो होता है उनमें किस प्रकार के गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलामेंट लैंपों के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम के अंदर देखा जाए तो किस क्वेश्चन को या किसको राइट आंसर माना जाए, तो मेरे हिसाब से यहाँ नाइट्रोजन गैस होना चाहिए। तो वैसे तो दोनों गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है उसका आउटपुट किस बात पर निर्भर करता है। तो ये जो बात निर्भर करता है ये सेल जो होता है उसके साइज़ पर निर्भर करता है, सॉरी फिलामेंट के टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। अगला है कि टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है ये डिग्री सेल्सियस की अगर हमने बात करें तो ये 3400-3500 के समथिंग होता है, और केल्विन के अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो इसको 273 प्लस कर दें, तो लगभग ये 3500-3600 के लगभग सम पड़ेगा। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो फ्यूज को आपको सभी को पता होना चाहिए, हमेशा फेज लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है, आर्मेचर का फ्लक्स क्या करता है, मेन पोलों पर फ्लक्स का विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसका मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ रही है तो आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा, और आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर में लो आनियाँ ज़्यादा होगी, तो लो आनियाँ वृद्धि होगी, और मेन फ्लक्स कमजोर करेगा, इसका मतलब ईएमएफ में कमी होगी। तो अगर आपने डी ऑप्शन किया तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पीएमईएन का पूरा नाम क्या होगा। अगला क्वेश्चन है पीएमईएन का पूरा नाम क्या। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा प्रोटेक्टिक मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल सिस्टम होगा। तो यहाँ अगर आपने बी ऑप्शन किया है तो वो राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आरसीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो आरसीसीबी का इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो रेड्यूशियल करंट सर्किट ब्रेकर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा, तो ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल जो रूल जो है आई उसके अनुसार आवृत्ति में अधिकतम कितना बदलाव किया जा सकता है, कि जो आपको उपभोक्ता या जो सप्लायर होते हैं वो आपको सप्लाई भेजते हैं। तो भारत के जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, तो इसमें कितना चेंजिंग संभव है। तो 3% अगर आपने किया तो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक HP जो होता है वो किसके कितने वाट के बराबर होगा। तो एक HP का आपको पता है कि 746 वाट होंगे इसका। तो यहाँ अगर आपने ए ऑप्शन किया तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटर की गति को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, टैकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है जो मोटर की शाफ्ट पर लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो इंडिकेंसेंट लैंप जो होते हैं उनके फिलामेंट जो होते हैं वो किसके बने होंगे। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि टंगस्टन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फिलामेंट लैंपों के अंदर। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर स्टार्ट में कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर चलता है, तो इसे मूलतः क्या कहते हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर है, तो ये सामान्यतः क्या होती है, टू फेज वाली मोटर इसको कहा जाता है। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का आर्मिक टॉर्क कितना होगा। तो सिंगल फेज मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है सभी मोटरों का, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आपूर्ति पर परिवर्तित किया जाता है। तो इसके अंदर आपको दिया गया है कि आपने कैपेसिटर के स्थान पर उसी रिएक्टेंस वाले आपने कुंडली को जोड़ा है तो क्या होगा। तो कुंडली से अगर आप जोड़ोगे तो फेज डिफरेंस होता है वो घट जाता है, उसकी वजह से मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यानी कि मोटर शुरू नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर जो होती है उसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो कौन सा लिया जाता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट प्रकृति का होगा, और इसके अलावा रनिंग अगर पूछा जाता है तो पेपर होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मोटर होती है वो जो स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा देती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो सबसे ज़्यादा देती है यूनिवर्सल मोटर देगी, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो कौन सी सप्लाई पर काम करती है या किसको कहा जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर ये कार्य करती है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो सिंगल फेज मोटरें जो होती हैं उनका निर्माण व्यावसायिक तौर पर कितने HP तक किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन जो है पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले से पिछली बार, तो इसका 2 HP जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो 2 HP तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि जब यूनिवर्सल मोटर है उसको बिना भार के जब आप उसको चलाते हो तो उसकी गति को नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है, कि जैसा ये शाफ्ट होगी और इस शाफ्ट पर आप काम क्या करते हो, भार लगाते हो, तो रोटर पर कौन सी चीज़ होती है, आर्मेचर होती है। तो इसका मतलब आपने काम किया है कि आपने आर्मेचर पर लोड डाला है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने बी ऑप्शन अगर आपने सही किया है तो आपका राइट आंसर माना जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया एक छत पर जो पंखा लगा गया उसमें किस प्रकार की मोटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो छत के पंखे के अंदर सभी को पता होना चाहिए कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होने वाला है। तो डी ऑप्शन अगर आपने किया तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो रिलक्टेंस मोटर पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी था ये। तो रिलक्टेंस मोटर कौन सी होती है कि जिसके अंदर आप किसी भी तरीके का एक्साइटेशन नहीं देते। तो पहला ऑप्शन दे रखा है दुगनी उत्तेजित नहीं किया जाता, सिंगल एक्साइटेड भी नहीं होती इसको, और तीसरा ऑप्शन ए और बे दोनों दे रखा है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रिलक्टेंस मोटर जो होता है उसको आप किसी भी तरीके से एक्साइट नहीं करते, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला निम्न में से कौन सी मोटर जो होता है उसकी गति जो है वो नॉन रिवर्सेबल है। अपरिवर्ती का मतलब होता है जिसकी गति को आप चेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्सल मोटर की गति आपने सिंगल फेज जैसे डीसी सीरीज मोटर होता है उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। कैपेसिटर स्टार्ट होता है उसकी भी स्टार्टिंग या रनिंग के सिरे चेंज करके कर सकते हो, और प्रतिरोध स्टार्ट होगा उसमें भी कर सकते हो, लेकिन जो स्थायी संधारित्र मोटर है उसकी गति का चेंजिंग नहीं किया जाता। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी मोटर जो होती है उच्च पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर या स्प्लिट फेज मोटर। तो कैपेसिटर रन मोटर जो होती है उसका पावर फैक्टर क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि शटर पोल मोटर जो होती है उसकी दक्षता कितनी होती है। तो ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है या कंपटीशन एग्जामों में आया भी बहुत बार है। तो इसकी दक्षता सबसे कम होती है सिंगल फेज मोटरों के अंदर, तो 5 से 35% इसका क्या होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज सॉरी स्लिपिंग इंडक्शन मोटर जो होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होगा, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर गेज का पूछा जाता तो निम्न आपका आंसर होता। तो ये 50 क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वो सही किए होंगे। और ये बुकलेट जो सीरीज़ है आप लोगों को पता होना चाहिए, बुकलेट सीरीज़ सी है जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जितने भी 50 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से इनको जांच कर लें और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बीच एम। धन्यवाद।